कांग्रेस जो है 2014 से ही कौमा में चली गई, अब समझ ले उसकी जनाजा उठने वाली है, अब वो समाप्त होने वाली है, अब ज्यादा क्या कर सकते। राहुल गांधी कायदे से देखा जाए तो भारतीय राजनीति के हिसाब से अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकदम मूर्ख राजनीतिज्ञ हैं। उनको किसी भी प्रकार का वो सेंस नहीं है, राजनीति करने के तौर तरीके वो नहीं जानते हैं। मात्र इस बात पर उनको ढो रही है कांग्रेस कि वो गांधी परिवार के वंशज हैं। उनको न देश की भौगोलिक सीमाओं की जानकारी है, न देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी है, न देश के सामाजिक संरचना की जानकारी है, न हमारे देश के विज्ञान की जानकारी है, न हमारे देश के कृषि की जानकारी है, न हमारे देश के साहित्य की जानकारी है, न हमारे देश की संस्कृति की जानकारी है, न हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत की जानकारी है। तो ऐसे अपरिपक्व आदमी को देश की कमान सौंपने के लिए आगे बढ़ाना ये देश का ही दुर्भाग्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत चतुर्वेदी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दो करारे झटके लगे हैं कांग्रेस पार्टी को, एक तो बड़ी करारी शिकस्त मिली है 2019 लोकसभा चुनाव में, और दूसरी तरफ अमेठी जो कि उनका गढ़ माना जाता था वहां से राहुल गांधी हार चुके हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी आलाकमान ये कह रहा है कि हमने उसे ठुकरा दिया है, बल्कि ये कह दिया है कि अभी भी राहुल गांधी के नेतृत्व की उन्हें सख्त जरूरत है। चलिए इसी बात पर हम चर्चा करेंगे जनता से, और जनता क्या मानती है कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं। सर ये बताइए, कांग्रेस पार्टी का भविष्य राहुल गांधी के नेतृत्व में सुरक्षित है कि नहीं? एक बार वो इस्तीफे की पेशकश करते, एक बार ठुकरा देते, क्या चल रहा है? दो बातें चुनाव में तो हम देख रहे हैं ना, सुरक्षित होते तो आज ये कंडीशन कांग्रेस की नहीं होती ना। जो इन्होंने आप समीक्षा किया कि मुझे देना इस्तीफा, सब एक क्लाइमेट है, प्रोपोगंडा है, सिर्फ रचा गया है। जनता भी जानती है, जितनी 125 करोड़ जनता वो भी जानती है, कुछ नहीं होना है ना। जो भी बनेगा परिवार से ही उनका सदस्य बनना है। आज भी ये चेंज कर दें, ज्योतिराज सिंधिया या पायलट जैसे नेते को बना दें, तो आज कांग्रेस 5 साल में खड़ी हो जाएगी। पहली चीज तो इन्हें अपने पहले कैडर को सुधारना पड़ेगा। इनके पास कैडर है नहीं, चुनाव कौन जीतता है? जिनके पास कैडर होता है। आपके पास कैडर है नहीं, आप चुनाव जीतोगे कैसे? आपके पास आदमी नहीं है, बाहर से आपने आदमी को लाखों प्रचार करवाओगे कहाँ तो चुनाव जीत सकते हो? आज अमेठी में क्या हुआ? आज यहीं पे बात हुई थी ना, आपसे ही बात हुई थी, तो लोग कह रहे थे नहीं अमेठी में वो जीत जाएंगे, लेकिन क्या हुआ? स्मृति ईरानी ने वो काम किया, उन्होंने 5 साल 15 साल वो रहे, जितना 5 साल में वो जाके बैठी होंगे ना, 15 साल में वो उतनी बार नहीं गए होंगे, और 15 साल में सिर्फ अपने सांसद निधि से वो काम किए होते तो आज अमेठी अमेठी होता। तो क्या अमेठी की हार राहुल गांधी के एक तरीके से करियर पर कड़ा झटका है? क्या उनको आगे इससे सबक लेनी चाहिए तभी उनका ग्राफ पड़ेगा, नहीं तो आपको लगता है? 100% सत्य है, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहे ना ये लोग, पीछे से कोई उनको बता ही नहीं पा रहा है कि आप ये करो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आखिर उन्होंने वायनाड क्यों चुना? जानते हो सुरक्षित सीट है, वहाँ से जीत जाएंगे है, उन्हें पूरा अंदेशा हो गया था कि हम अमेठी से हार रहे हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तक तो ये कहा जा रहा है, कल ही अभी रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि नहीं उन्हें या उनकी पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत है। चलिए ये बताइए, युवा हो रहा था कि राहुल गांधी युवा नेता है, कितनी सीटें 2014 से 2019 तक बढ़ा पाए, जबकि कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से भविष्य पर संकट आ पहुंचा है कि अब आगे क्या रणनीति होगी उनकी, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है इनकी परिपक्वता, मानसिकता जो है इनकी, मतलब दूसरे के कहने पे अनाप शनाप बयान देना, यह सब चीज़ आज का युवा भी जो है वो समझदार है, वो भी जानता है कि आप क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले ये था कि लोग जातिवाद और मतलब कि जो कह सकते हैं कि नहीं जानकारी की वजह से लोगों को बरगला देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और हर युवा हर व्यक्ति हर नागरिक अब जागरूक हो गया है, समझदार हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों से उल्टा सीधा वादा मत करिए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है। तो यही राहुल गांधी की कमी है कि जो इसको मतलब अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत, ये कहना कि नहीं हम इस्तीफा दे रहे हैं, लोग स्वीकार नहीं रहे हैं, ये क्या मतलब है? आप नेतृत्व करते आ रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अगर आप अपना इस्तीफा दे रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। अब ये क्या नाटक ये चल क्या रहा है? देखिए ये पब्लिसिटी है, अब हार तो हो गई है, तो हार को किस तरह से भुनाया जाए इसके लिए करें, वरना तो उन्हीं को है, क्योंकि यहाँ पे परिवारवाद हावी ज़्यादा है।
इसलिए अपन ना उन्हीं को। चलिए आइए।